मैं भाई के ट्रैक्टर है, सबसे बड़ी बात यह है। और कहीं कमेंट करे ना भाई, उन मैंने कहा और मैं ही फिर कहूँ आपके दर्शकों से भी और जितने भाई मैंने देख रहे हैं भाई, टोचन किंग किंग कोंग ने कंपेयर ना करे करो, किसी का दिक्कत है किसी का प्रॉब्लम है, कोई कुछ ले रहा हो जाज ले रहा हो मेरा लवा जो फिर बताऊंगा मैं किंग कोंग के है, टोचन किंग वाला कंपेयर ना करो प्लीज ना जोड़ कर, उससे तो भाई वो सोच से कमजोर है। नीशु भाई ना स्वराज का नाम लिए कर देखा देखा दे, किंग कोंग बुलडोजर भाई मैं एक चीज का पीछा लग रहा हूँ, मेरे पे वो सफल नहीं होने लग रही। सबसे मेन मेरा दिल की मॉडिफिकेशन हुआ, प्रोहित भाई के पास गए थे अब, आपने कहा था 50 के पे कुछ बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा बहुत खुलासा अगर आप करना चाहते तो क्या होने वाला है? मैं नहीं बे रहा, उन्हें के सोच के कहा, क्यों कहा, वो जो कहेगा वो कर देंगे बस। अच्छा जी, तो राम राम सारे भाई है ना, आपका स्वागत अपने चैनल डूल मीडिया पे। ये ट्रैक्टर आपने हमारी वीडियो में कई बार देख लिया, लेकिन जो आपके कमेंट आ रहे हैं वो पूछने जरूरी है। तो पहला तो सुरेंद्र सर राम राम। राम राम गौरव भाई, तने राम राम, तेरे दर्शकों ने भी राम राम। और पहले आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, हम सीधी मुद्दे पर बात करेंगे सर, जो अपना ट्रैक्टर 5210 इसका और आपका बहुत ज्यादा अपने फैमिली वाले, अपने यूट्यूब फैमिली वाले ऑडियंस नाराज होने लग रही है। नाराज होने लग रही है? हां जी। रीजन सर आगे, मतलब दो रीजन है सर, एक तो खुश होने का एक नाराज होने का। आगे टूर्नामेंट आने लग रहे हैं, जो आपकी पिछली ऑडियंस है वो तो कह रही टूर्नामेंट में इसने चलाओ, जो नई ऑडियंस है वो कह रही इसने मॉडिफिकेशन में रखो, ऐसे की ऐसे हम उसका अल्क ढूंढ लेंगे। अगर मेरे भाई यही नाराज हो गए तो अपना पल्ले के है फिर, या तो बात है सर। तो इन्होंने नाराज नहीं होने देंगे, मॉडिफिकेशन भी ऐसे रखेंगे और टोचन में भी चला देंगे, एक और ले लेंगे ना आप। अच्छा जी, कोई भाई नाराज नहीं होने देंगे। अच्छा जी, तो एक बात हो रहा सर, आप रोहित भाई के पास गए थे अब, आपने कहा था 50 के पे कुछ बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा बहुत खुलासा अगर आप करना चाहते तो क्या होने वाला है? मैं नहीं बे रहा, उन्हें के सोच के कहा, क्यों कहा, वो जो कहेगा वो कर देंगे बस। अच्छा जी, मतलब कुछ बड़े होने वाला है, बड़े करेंगे छोटा का क्या फायदा फिर। अच्छा जी, तो अब ये ट्रैक्टर अपना देख लियो 5210 किंग कोंग, तो सर पहले किंग कोंग का इराज बता दो, क्योंकि किंग कोंग जो ट्रैक्टर है वो अपनी ओर तक पूरा किंग है, लेकिन आपने किंग कोंग नाम किस वजह से रखा? किंग कोंग एक तो वैसे ही बल्कि सा लगा है, मैंने वो मूवी अलग सी, और एक फिर दूसरी बात नीशु भाई ना स्वराज का नाम लिए कर देखा देखा दे, किंग कोंग बुलडोजर, तो थोड़ा फिर भी एक उनकी चॉइस थी, फिर रोहित भाई का लवे जाकर हमने नाम रखा था, तो उन्होंने भी ऑडियंस से पूछा भाई के नाम रखना चाहिए इसका, तो ज्यादा 75% किंग कोंग के थे, तो हमने किंग कोंग रख दिया। सही जी, तो कहीं अपने जो ऑडियंस है आप तेन्यू कहना चाहो, जो आप ये लाइटिंग लगाओ ये मतलब जल्दी जल्दी खराब हो है, इश्ता खरा या तो लगाओ नहीं, अगर लगाओ बढ़िया लगाओ, मतलब ये खराब ज्यादा होने लग रही है सर। जो ये वाली है? हाँ जी, ये चाइनीज है। और पीछे भी जो महाराज सूरजमल की फोटो है ना, उसमें जो खराब नहीं थी वो। अच्छा जी, वो लाइट मैंने इस चीज का बारे में नॉलेज नहीं थी भी, इसका अंदर तय कौन सी लाइट ज्यादा चमकेगी, तो मैंने एक वो जो गोल्डन टाइप लाइट आवे वो ज्यादा लगा दी थी, उसका उसकी लाइट बाहर नहीं आई, तो फिर हमने देखा भी इसका तो फायदा कुछ नहीं, तो हमने फिर व्हाइट लाइट लगाई, और अब मतलब अच्छा रिस्पांस है, व्हाइट और लगा देंगे। तो जैसे आगे टूर्नामेंट आने लग रहे, क्या किंग कोंग टूर्नामेंट लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। अच्छा जी, मतलब अब की बार क्या तैयारी रहने वाली है किंग कोंग की? फुल तैयारी, ये सिर्फ कल आप तक बात होगी, तो नहीं तो मतलब का क्रेन वाला तो बात हो रही है, अब आके कदे भी टायर चेंज करके जो भी काम इसका होने वाला, पंप वगैरह सब इसके चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, टूर्नामेंट वास्ते टिप की बार लेके ही हुए जाना है। अच्छा जी, हाँ। तो सर आपने देखा ये पीछा पहला इसमें टायर और थे उक्की गुड्डी वाले थे, अब ये क्या रीजन रहा इतने बड़े टायर आगे भी डालने का, पीछे तो आपने डाल ही रखा? यो फिर वही बात, मैंने तो वो अच्छे ज्यादा लगे थे वैसे, पर मेरे भाइयों का जो अपन ने देखा है उनके कमेंट थे कि आगे तो बहुत डाउन है, ट्रैक्टर अच्छा नहीं लगता, भी आगे तो ऊंचा उठाओ, तो बस यही रीजन है, मतलब ऑडियंस की वजह से हमने ऊंचा उठाया। तो कहीं भाई कमेंट नहीं होगी, आप सेंटर पिन ने भी ऊंचे उठा सको दे, अब आप देखो अगर इसमें सेंटर पिन ऊंचे उठा देंगे और, तो कहां चले जाओगे ट्रैक्टर? ऊपर जाना और भी, मतलब दो तीन बुरा लगा लगता, अभी भी चाहिए इतना ऊपर हो आगे से ऊंचा है ना, तो बस यही कारण है। अगर टायर छोटे रखेंगे तो फिर सेंटर पिन उठवा देंगे, फिर सेंटर पिन नहीं उठवाएंगे, इसमें ग्लोबली हिस्सा लगाएंगे। अच्छा जी, हाँ। तो आगे हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं आगे क्या क्या मॉडिफिकेशन होने वाले हैं इसमें। हाँ जी भाई, मैं एक चीज का पीछा लग रहा हूँ, मेरे पे वो सफल नहीं होने लग रही। अच्छा जी,
सब तक मेन मेरा दिल की मॉडिफिकेशन है वा जो मन मन चाहिए किसी का देख के नहीं जो मतलब मेरा खुद का आइडिया था वो मेरे पे सक्सेस नहीं उसमें होने लग रहा मैं मतलब वो समझो वर्ल्ड के पहला नंबर की उसका ऐसी मॉडिफिकेशन की सोच रखी है मैंने अगर वो सक्सेस होगी तो सर एक मैं क्वेश्चन पर्सनली पूछना चाहूंगा थोड़ा अलग से सारे आप जो भी बड़े बिग यूट्यूबर देखो आपकी भी अब ऑडियंस जैसे जैसे राम आराम से बढ़ती जा रही है तो मतलब सारे प्रमोशन की और बातें कलर ट्रेडिंग या और भी प्रमोशन आप इस तरह ही ये प्रमोशन क्यों नहीं करते भाई इस पर तो मेरे पे ना बुलवाओ कुछ अच्छा जी मतलब प्रमोशन तो आप भी आंदी होगी आप जमा ही नहीं करते किसी चीज की भी मैं आगे भी नहीं करता कभी अच्छा जी हां मेरा मतलब मैंने यूट्यूब पैसा वास्ते YouTube पे नहीं आया मैं मतलब कई लोग तो सिर्फ एक कह दे हैं भी पैसा वास्ता है नहीं आया मैं मैं एक्चुअल में पैसा वास्ता नहीं आया मतलब मेरा शौक है और मतलब मेरी पिछली जिंदगी इसका मतलब सबसे मेन कारण है मेरी पिछली बीती हुई स्टूडेंट लाइफ की जो लाइफ है मेरी मैं उसने बुलाने वास्ता समझो मतलब मैंने इस वास्ते ट्रैक्टर चुना है और मेरा इससे ज्यादा कोई मोटिव नहीं है तो आगे भी क्या सर जो अपना टीपी कलर यानी ग्रुप है ये ट्रैक्टरों की ओर चलेगा या और भी कार पे या और चीज पे मॉडिफिकेशन नहीं नहीं, नहीं कार की मॉडिफिकेशन मन अच्छी नहीं लगती अच्छा जी क्योंकि कार ही असल तो मैं जब का एक और खास बात बताऊं हां जी मैंने दो साल हो गए कार ली ने 13,000 किलोमीटर चलाई है हां जी मैं जानते ही नहीं जबकि ट्रैक्टर टूर्नामेंट में लगे जान मैं जानते ही नहीं कहीं अच्छा जी मैंने कोई टूर नहीं करा उस दिन के बाद हां जी जितने पैसे हुए ट्रैक्टर वे अच्छा जी हाँ। तो जैसे आप रोहित भाई के पास गए हाँ। तो आपने टोचन भी लगाया ट्रैक्टर के साथ उनके ट्रैक्टर के साथ मैं ज्यादा पावरफुल ट्रैक्टर है भाई उनका गला पर टोचन नहीं लाते अच्छा जी मैं भाई के ट्रैक्टर है सबसे बड़ी बात यह है और कहीं कमेंट करे ना भाई उन मैंने कहा और मैं ही फिर कहूँ आपके दर्शकों से भी और जितने भाई मैंने देख रहे हैं भाई टोचन किंग गला किंग कोंग ने कंपेयर ना करे करो किसे का दिक्कत है किसे का प्रॉब्लम है कोई कुछ ले रहा हो जाज ले रहा हो मेरा लवा जो फिर बताऊंगा मैं किंग कोंग के है टोचन किंग गला कंपेयर ना करो प्लीज ना जोड़ कर उस तो भाई वो सोच से कमजोर है मतलब आपकी हमने स्टोरी भी देखी सर इंस्टाग्राम पर भी आप लगाओ या वीडियो वाडियो भी डालो कि अगर किसी भाई ने बांधना हो तो इसके साथ बांध लियो कभी भी बांध लियो तो मतलब ऐसा क्यों करने लग रहे हो कि कोई ट्रैक्टर नहीं मिलता क्या आपने इसके साथ में बांधने खातर मिलते नहीं भी अच्छा जी मतलब चैलेंज नहीं है हाँ जी एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ अच्छा जी भाई भाईचारा था हाँ जी फ्रेंडली टोन हाँ मतलब खिंचातानी में या जिद्दबाजी में अगर कोई कवागा मेरता है मैं करता भी नहीं फिर अच्छा जी मैं हाथ जोड़ दूंगा हाँ जी प्यार तक कोई करो आ जाओ भाई रोटी भी खुवाऊंगा भाई यहाँ रखूंगा भी और जे जो मेरे पे जितना मैंने सीखा है वो बता भी दूंगा आज वो कर लो भाई तो सर जैसे अपना ट्रैक्टर है किंग कोंग आपने जॉन डियर चुनिया मॉडिफिकेशन के लिए और ट्रैक्टर भी थे आपके पास खुद सोनाली का योद्धा था या और कंपनी क्यों नहीं चूज करी आपने मॉडिफिकेशन करने के लिए मैंने एक लाइन लिखवा रखी है अच्छा जी मतलब उस बंदे से इंस्पायर्ड होकर अपन इंस्पायर्ड निशु देशवाल है ना तो फिर जब उसका पसंदीदा ट्रैक्टर हमने नीशु पसंद था नीशु ने जॉन डियर पसंद था तो मारी तो पसंद ऑलरेडी होगी ना यार हां जी तो फिर इस पर तो कमेंट इस बात पे कमेंट तो नहीं भी आओगे उसने तो स्वराज भी पसंद था और मॉडिफिकेशन भी तो आप भी ले लेंगे अच्छा जी के बड़ी बात है हां जी भाई यहां प्यार मिलना चाहिए दो स्वराज ले लेंगे या तो बात है सर बस तो सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा जैसे अपनी जो यंग जनरेशन है वो आप वर्गे भाइयों का आप वर्गे मॉडिफिकेशन जो करने लग रहे हैं यूट्यूब पर उनका इंस्पायर होने लग रही है लेकिन किसी भाई ने बीच में आके छोड़ना पड़ा ऐसा काम क्यों करना पड़ा क्योंकि इतने का ट्रैक्टर इतने ऊपर मॉडिफिकेशन बुलाने पड़ा फिर भी चैनल चला कि नहीं चला वो भी मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहोगे मैं यह कहना चाहूंगा भाई कोई पैसा का लालच में आके ट्रैक्टर मॉडिफाई ना करियो घर कहेंगे गिट्टी में गुंठा ना दियो मतलब ये जरूरी नहीं है आप 10-20 लाख रुपए लगा के आपका चैनल चलेगा अगर आप ये सोच के आए हो आओ इस लाइन में कि मैंने YouTube की ऑडियंस मिल जाएगी और मैं पैसा कमा लूंगा भाई वो चीजें सब किस्मत के साथ होती हैं उनके लिए तो लक चाहिए होता है वो बिना ट्रैक्टर के भी हो जाएगी अगर आपकी होगी और नहीं होनी होगी तो आप चाहे जहाज ले लो भाई जब भी नहीं होती तो इस करके मैं कहूँ भाई घर कहना परेशान करके कुछ ऐसा काम ना करियो कुछ भी सोच कर कल ने फिर थम उस चीज पर पछताओ और किसी और ने दोष दो
इंक्लूडेड में। अच्छा सर, तो सर आपकी यूट्यूब पे मतलब 30K तक प्लस ही सब्सक्राइबर है। हाँ। तो आपकी अब तक की मतलब आपने ट्रैक्टर के ऊपर फुल पीस लगा चुके हो। हाँ। जितना ट्रैक्टर है उससे भी ज्यादा लगा चुके हो, कितने अर्निंग हो जाए आपकी मंथली? मन अर्निंग का ही नहीं पता था ये भैया, लास्ट टाइम तो आया था तन्ने खोली थी शायद, वह पता नहीं विकास ने खोली थी अपना मान ने। हाँ। मेरा ध्यान नहीं कौन सा, मन तो नहीं पता था भी ये करते के खुला था। अच्छा, हाँ मन पता नहीं था, मन पता था यो पता था पैसे आवा, पर मन नहीं था इस तरह आंदे होंगे। अच्छा, कुछ अलग था प्रोसेस नहीं होगा, पर उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है वो, बस आप जैसा भाई है वो उसने कराया, उस दिन तो बाद मैंने पता चला भाई पैसे इस तरह आएंगे। अच्छा जी। हाँ। तो अपनी अवधि ऑडियंस इसलिए नाराज है क्योंकि आप फेसबुक पर वीडियो डालते, क्या राज है इसका? मैंने हिसाब नहीं। अच्छा जी। फेसबुक पे के मैंने इसका भी हिसाब नहीं, इतना आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे कहीं भाई तो लाना ही भी देवा है भाई तू वीडियो अच्छी नहीं बनाता भाई, उस वास्ते माफी दियो। अच्छा जी। बनानी नहीं आंदी मतलब जानबूझ के नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं है, बनानी नहीं आंदी, जैसी बनानी आवे वो मैं ट्राई अपनी तरफ तय करूं कि मैं बेस्ट तो बेस्ट दूं। अच्छा। और सीखन प्रोसेस में जल्दी सीखेंगे। अच्छा। अपनी ऑडियंस एक चीज तो नाराज है सर, जो आप वीडियो डालो वो ज्यादा लेट डालो यूट्यूब पे, मतलब 15 अगस्त की वीडियो आपने अब तक भी मतलब बहुत ज्यादा लेट कर रखी है, और वीडियो भी आप बहुत ज्यादा लेट करो, मतलब टोचन में गए थे आप, मलंडियो गए हो कभी, वो भी वीडियो आपने कई दिनों बाद डाली, तो ये क्या राज है सर? इसका राज ये है, मलंडी वाली बात पे आ जाओ, पहली बात तो 3-4 दिन लग गए थे वहाँ। हाँ जी। अब 3-4 दिन घर मैं अकेला हूँ भाई। हाँ जी। मैं अकेला भाई हूँ भाई। हाँ जी। तो मेरे पे मतलब घर के काम सारे। हाँ जी। कुछ भी सामान ले आना, मतलब के नून की थैली भी लानी हो मन ने लानी है। हाँ जी। और ट्रैक्टर का भी कुछ काम करवाना हो तो भी मन ने करवाना है। हाँ जी। तो मतलब टाइम इस वजह से मिसमैनेज हो जाए के भाई घर के काम में थोड़ा इधर उधर हो जाए। हाँ जी। ये कारण है, और मतलब जानबूझ के वो भी मैं जानबूझ के लेट नहीं करता। अच्छा जी। हाँ। तो यह बात तो सर ने आप तो सब शेयर कर दी, आगे कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो आए करेंगी, और आखिर में मार्गदर्शन के संदेश देना चाहोगे सर? मैं यही संदेश दूं भाई, घर कहेंगे टीम गुंठा देगा ना कोई काम करियो। हाँ जी। मतलब घर कहेंगी सहमति तो करियो जो भी करो। हाँ जी। और भाई मारी कड़ियां भी जरूरत होगी जिस भाई ने भी, वेलकम है। हाँ जी। अरुण भी भाई, जिस भाई ने कोई वीडियो रील बनानी है, शर्माने की जरूरत नहीं भाई, थारे है यो। अच्छा जी। थारी वजह है। तो और रोहित भाई ने बता दी और सर ने बता दी 50K सब्सक्राइबर होंगे कुछ बड़ा होने वाला, तो जल्दी जल्दी जाकर टीपी कलर यानी चैनल सब्सक्राइब करो, जो मेरी भी ऑडियंस है और सर की भी ऑडियंस है, दोबारा जगह जगह मतलब सब्सक्राइब कर दो, किसी का फोन लेगा कुकरो कर दो कर दो, तो आपने कुछ बड़ा सरप्राइज मिलेगा नहीं सर? बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी। तो आपने अगर इंटरव्यू पसंद आगे नेक्स्ट इंटरव्यू शॉर्ट टाटा बेबी सी यू, जय हरियाणा भी, राम राम।